हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। आज हम बनाएंगे आमले का मुरब्बा। ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बनता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आमला को गोद लेंगे, अच्छे से छेद करेंगे इसके अंदर कांटे से। आपके पास टूथपिक हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी में इसको भिगो दिया, फिर यहाँ पे 2-3 ड्रॉप चूने के डाल दिए हैं। हम इसको रात भर के लिए रख देंगे। देखिए ये ऐसा हो जाएगा सुबह के टाइम। हम एक पैन में एक बड़ा कप चीनी ऐड कर देंगे, फिर एक बड़ा कप पानी भी ऐड कर देंगे और फिर इसका थोड़ा थिक होने का वेट करेंगे। ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा लिक्विड टाइप में हम आमला को ऐड कर देंगे इसमें। देखिए थोड़ी मेल्ट हो रही है चीनी, ये पकते पकते बाद में ब्राउन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने फिर आमला ऐड कर दिया, इसके अंदर अच्छे से फ्लेवर जाएगा क्योंकि हमने इसमें छेद करे है ना। और देखिए इसका कलर कितना चेंज हो चुका है, ये ब्राउन हो जाएगा जब पकेगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। और हमारे लिए इसके लिए तो फ़ायदे हैं ही। अगर हम रोज़ एक आमला खाएंगे तो हमारे हेयर अच्छे रहेंगे, हमारी स्किन अच्छी रहेगी और हमारे पेट के लिए भी बहुत बढ़िया है ये। हम मुरब्बा बना के इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, रोज़े का आमला भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए इलायची का पाउडर डाल दिया है, इससे थोड़ी खुशबू बढ़ जाएगी इसमें। हमारी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। आप इसको चाहे स्टोर करके रखें, रोज़े का आमला खाएं, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और हेल्दी वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ये बाद में बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था, देखिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।